आपको अपने मन के अंदर से खुद को बदलने की कोशिश करना होगा। इस जहां में सफलता को पाने के लिए किसी भी प्रकार की मैजिक नहीं है। आप बस महान जीवन के बारे में बस कहते जाओगे या फिर काम करोगे, वो बस आप पर निर्भर है। आप अपने आप को उस शख्स की तरह बनाओ जो खुद को बदलने के लिए पागल बन चुका है। आप अगर अपने पर्पस को फिगर आउट करोगे तभी आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये दुनिया बहुत ही जल्दी बस बदलता जा रहा है। आप अगर अपने ऊपर हर रोज काम नहीं करेंगे तो फिर आप वैसे ही पीछे पड़े रह जाएंगे। आप अगर दुनिया के कोई भी सफल इंसान को देखेंगे तो फिर यही दिखाई देगा कि उनमें से हर कोई अपने ऊपर काम किए हैं। आपको अपने आप के लिए काम करना ही होगा। सब कुछ आप पर ही निर्भर है। कोई भी आपके जीवन को नहीं बदलेगा। आपको महान जीवन के लिए हर रोज काम करना ही होगा। ये प्रोसेस कभी भी आसान नहीं है और आपको सब कुछ बहुत आसानी से नहीं भी मिलने वाला। आपके लक्ष्य आपसे क्या क्या लेगा? आपको बदलने के लिए आपके लक्ष्य आपके साथ क्या क्या करेगा? आपको अपने काम में हमेशा से डिसिप्लिन रहना होगा। याद रखना, आपके डिसिप्लिन ही आपके सक्सेस की एक की एलिमेंट है। आप अगर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर आपके कोई भी अचीवमेंट सस्टेन नहीं करेगा। डिसिप्लिन के बिना सक्सेस की कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी लक्ष्य तक पहुंचना बिल्कुल ही असंभव है अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो। कोई भी सपना वास्तव में नहीं होता है डिसिप्लिन के बिना। आप महान अपने डिसिप्लिन के दम पर ही बनोगे। और मैंने जो कुछ भी कहा है वो मेरी ओपिनियन नहीं है, वो एक फैक्ट है। ज्यादातर लोग तो बस आसान रास्ता चुनते हैं। वो कभी भी ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके अब के आसान डिसीजन उनको बाद में और ज्यादा मुसीबतों में धकेल देगा। आपको अब सैक्रिफाइस करना होगा ताकि आप बाद में एंजॉय कर सको। आपके डिसिप्लिन ही आपको बेटर लाइफ के तरफ लेकर जाएगा। आप अगर किसी भी फील्ड में डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो फिर आपको अपना एंड रिजल्ट पर गौर करना होगा। आपको हर वक्त ये कारण ढूंढना होगा कि क्यों आप डिसिप्लिन रहोगे। बस यही मन में रखो कि आप अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर आपको बाद में क्या क्या मुसीबतें झेलना होगा। आप अपना सोच को जैसा बनाओगे आपको भविष्य में फल भी वैसा ही मिलेगा। जो लोग अपना डिसिप्लिन खो बैठते हैं वो असल में यही नहीं जानते कि वो अपना काम क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। सोचो, दो व्यक्ति एक ही जगह पर जा रहा है। उनमें से एक ये जानता है कि वो कहां पर जा रहे हैं और दूसरा नहीं जानता कि वो कहां पर जा रहे हैं। तो फिर कौन वहां पर पहुंचेगा? आपके पास हमेशा से क्लियर डायरेक्शन होना होगा, क्योंकि आपके क्लियर डायरेक्शन के बिना आप एक गलत जगह पर जाकर रुकोगे। सफल लोग हमेशा से एंड गोल की तरफ देखते जाते हैं। वो हर वक्त नए से सोचते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते जाते हैं। पर असफल लोग यही देखते हैं कि उनके जीवन कितना मुश्किल है। वो ये नहीं सोचते कि अगर वो अपने अप्रोच को नहीं बदलेंगे तो फिर उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। और इसीलिए अपना गोल सेट करो और उसका मतलब ढूंढ कर निकालो और बस चलते चले जाओ।